नमस्कार मित्रों, ऑर्गेनिक टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। हाइड्रोपोनिक के बारे में बहुत ही कन्फ्यूज़न हो रहा था। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये ऑर्गेनिक है कि नहीं, तो बाद में सब सॉल्यूशन ढूंढने के लिए एक छोटा सा सेटअप मैंने बनाया है। मैं अपने टेरेस पे 4 इंच के पीवीसी पाइप में 20 पौधे का सेटअप खुद ही लगाया है और बहुत ही कम खर्चे में ये रेडी हो गया है। अप्रोक्सीमेट 2500 के आसपास खर्चा हुआ है इसमें। और जो प्लांट्स लगाए इसमें मिक्स लगाया है मैंने, बैंगन, टोमेटो, वेला पापड़ी, पालक, मिर्ची, तुरई, लौकी, कैबेज। अभी बहुत छोटा सेटअप है, देसी जुगाड़ू टाइप का है और जो भी गलतियां होनी है इसी में हो जाएगी, ताकि जब बड़े तौर पे करेंगे, बड़ा सेटअप लगाएंगे कॉमर्शियल वे में, वो टाइम पे यही एक्सपीरियंस काम में आएगा और गलतियाँ होने का चांसेस फिर कम रहेंगे। तो ये आप अपडेट्स देख सकते हैं, पूरा ओवरव्यू। इसके ऊपर शेड नहीं लगाया है, अभी टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है एम्बियंट वाला, तो इसके ऊपर छोटा सा एक शेड बना दूंगा, कपड़े वाला ही लगा दूंगा। बाद में देखते हैं उसका क्या इफेक्ट होता है। अभी ये ओवरव्यू है मेरा। पानी के सर्कुलेशन के लिए 20 लीटर का बाल्टी है, उसमें 9 वॉट का पंप लगाया है, एक्वेरियम में जो लगता है वही है। वो एक साइड से पानी इन होता है, पाइप में 50% पानी भरा रहता है और दूसरे एंड से वो पानी रिटर्न होकर बाल्टी में आ जाते हैं। एयर सर्कुलेशन के लिए एक पंप लगा दिया है जो बाल्टी में अंदर बबलिंग करता है और पानी में ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करेगा, कंटिन्यू बबलिंग होते रहते हैं। न्यूट्रिएंट NPK जो आते हैं अमेजोन से मंगवाया मैंने, 100 ml की 3 बोतल है और 1 लीटर में 1 ml डालना होता है पूरा। उसके साथ चार्ट भी आता है, लेकिन जब मिक्स प्लांट्स है तो अप्रोक्सीमेट ट्राई एंड एरर करके लगा सकते हैं। ये वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट है, ये 250 रुपये के आसपास में मिल जा रहा है और 1 लीटर पानी में 2 ml डालना होता है। पॉट रेडीमेड भी मिलता है और आप नहीं है तो डिस्पोजेबल ग्लास में भी लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। खर्चा कम से कम करना है इनिशियल में। ये क्लेबोल रेडीमेड मिलते हैं नर्सरी में, सपोर्ट के लिए रहते हैं, नहीं है तो नारियल के छिलके लगा सकते हैं या तो फिर कोकोपीट भी डाल सकते हैं ग्लास में। सिंगल फेज का टाइमर लगा दिया है ताकि वो पंप ऑन ऑफ होता रहेगा, नाइट में बंद हो जाएगा। pH और TDS बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, डेली हमें एक बार तो एटलीस्ट pH TDS चेक करना पड़ेगा। ये हैंडी मीटर है TDS का और pH के लिए pH टेस्टर आता है, लिक्विड आता है, उसे भी चेक कर सकते हैं। सबसे मेन चीज़ है वो पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स में मैं ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज़ करता हूँ, काव यूरिन है, पुरानी छाछ वो स्प्रे कर सकते हैं, फिर ये पत्तियों का अर्क बनाया है और नीम ऑयल है। तो हर 5वें दिन में मैं टर्न बाय टर्न अलग अलग का स्प्रे करता हूँ, 5-10% मिक्सअप करके, तो उससे मोस्ट ऑफ पेस्ट वो कंट्रोल हो जाती है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। मेन चीज़ तो ये पेस्टिसाइड्स ही है जो ऑर्गेनिक यूज़ करना है। ये 2 मंथ बाद का अपडेट्स है, आप देख सकते हैं। आगे आगे मैं जो भी अपडेट्स है आपके साथ शेयर करूंगा। आई होप कुछ कन्फ्यूज़न आपके भी दूर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।